नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सूल टंकेश्वर महादेव मंदिर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जिस तरह गार्जियन के बिना बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, ठीक उसी तरह भगवान के बिना भक्त का कोई वजूद नहीं होता। अगर हम और आप भक्त हैं तो भगवान के दर्शन, उनके पूजन करने का ये हमारा दायित्व तो है, या उसके बिना हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हमें भगवान में भक्ति है। क्योंकि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसे हमें बार बार बताना या जताना पड़ता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, अन्यथा उसे लगेगा कि हम प्रेम नहीं करते। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमें भगवान के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है, और जाकर के हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमें उनमें आस्था है, उनसे प्रेम है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सूल टंकेश्वर महादेव मंदिर, जिन्हें हम दक्षिण के प्रहरी भी कहते हैं, क्योंकि बनारस उनका है। तो पूरे बनारस को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल गाड़कर गंगा के वेग को रोका था, और उनसे दो वचन मांगे। पहला ये कि बनारस को उनके वेग से किसी तरह की कोई नुकसान या क्षति न पहुँचे, और दूसरा ये कि बनारस के घाट पे जो भी नर नारी पशु पक्षी अगर वो गंगा स्नान करे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और जब गंगा ने इन दोनों वचनों को माना, तब प्रभु शंकर ने अपने त्रिशूल को वहाँ से हटाया और गंगा को आगे बढ़ने दिया। तभी से यहाँ के लोगों को, पशु पक्षी को गंगा में स्नान करता है, उससे बहुत सारे पुण्य मिलते हैं और उसके सारे पाप कष्ट कट जाते हैं। इस तरह लोगों के कष्ट हरने वाले स्वरूप का नाम पड़ा सूल टंकेश्वर महादेव, और तभी से भगवान भोले शंकर सूल टंकेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजमान होकर सारे लोगों के दुख कष्ट हरते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जो यहाँ मन्नत मांगता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। देख रहे हैं कि गंगा के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। तो हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम दर्शन को आते हैं तो हमारा एक दायित्व, उत्तरदायित्व है कि हम खुद को शुद्धि करें, और शुद्धि करने का सबसे बड़ा जरिया है गंगा माता, क्योंकि उनसे पवित्र हमारे इस धरती पे कुछ माना नहीं जाता। तो हम आते हैं यहाँ, स्नान करते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रभु के दर्शन को। दोस्तों, ये मंदिर बनारस के दक्षिण दिशा में स्थित है, इसीलिए सूल टंकेश्वर महादेव को दक्षिण का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनारस को दक्षिण दिशा की ओर से प्रोटेक्ट करते हैं। सामने देखिए भोलेनाथ का प्रतिरूप, जिस रूप में भोलेनाथ को हम जानते हैं, उनका ये विजुअल रूप है। यूं तो शिवलिंग के रूप में है, काल भैरव के रूप में है, बहुत सारे रूपों में है, लेकिन जो इनका विजुअल रूप यही है, और अपने पार्वती के साथ विराजमान है। तो ऐसे ऐसे उनके दिव्य रूपों का दर्शन हम रास्ते में करते चलेंगे, लेकिन जो मुख्य उनका है, सूल टंकेश्वर का जो उनकी प्रतिमा है दोस्तों, वो इस गर्भगृह में है। ये सामने गर्भगृह है, ये उनका रास्ता है, और आइए चलते हैं, सबसे पहले हम उनके दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सूल टंकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में, और सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह आरती चल रही है। हम बहुत अच्छे समय पे आए हुए हैं कि अब भगवान के दर्शन भी होंगे और उनकी आरती भी करने को मिलेगी। इस मंदिर में दोस्तों तीन द्वार हैं, आप पूर्व से द्वार हैं, उत्तर से द्वार है, और पश्चिम से द्वार है। तो आप देख रहे हैं एक द्वार से आप उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो ठीक है, हम आपको दूसरे द्वार से दर्शन कराएंगे। तो आइए ये देखिए, ये है भगवान भोलेनाथ सूल टंकेश्वर महाराज। आप देख रहे हैं कि नंदी भी समान है, कि नंदी के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना नंदी नहीं। तो ये दुर्लभ सीन आपको मिल रहा है, दृश्य आपको मिल रहा है, जैसे कि हम भी धन्य हो रहे हैं और आप भी धन्य हो जाइए। क्योंकि किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम आस्था तो लेकर के जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि उनके दर्शन को मिलता है। दोस्तों, ये देखिए, ये तीसरे दरवाजे से हम दिखा रहे हैं शेषनाग, या यूँ कह सकते हैं कि नाग शंकर के एक विजुअल रूप को यथार्थ करते हैं, तो उनके बिना उनका वजूद नहीं है। तो इसीलिए शेषनाग की भी ये तस्वीर बनी हुई है, या उनका आकृति बनी हुई है, जो शिवलिंग को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो इतना खूबसूरत दृश्य हम देख रहे हैं, किस तरह सब लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं, और अभी भी आरती उनकी चली रही है। बहुत अच्छे समय पे हम आए हुए हैं और उनके दर्शन हो रहे हैं, और ऐसे विजुअल दर्शन बहुत कम ही मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको तीनों दरवाजों से भगवान सूल टंकेश्वर के दर्शन कराए हैं। अब हम उनके गर्भगृह का, यानी उनके मंदिर का एक परिक्रमा करते हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद परिक्रमा करने का जो है फल कुछ ज़्यादा ही होता है। अंदर भी लोग पूजा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाहर भी बैठ करके लोग अपनी पूजा साधना किए हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह
ये थे सूल टंकेश्वर महादेव, जिनके दर्शन को हम आज आए हुए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जो दर्शन कर ले रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, और जो दर्शन करने हैं जिनको वो आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक छोटी बच्ची या गार्जियन लोग अपने बच्चों के साथ किस तरह दर्शन को आते हैं, बच्चों के अंदर कितना उत्साह है कि प्रभु के दर्शन को, कितनी आस्था उनके अंदर है कि वो अपने आराध्य के दर्शन को आ रहे हैं। देख रहे हैं कि हाथ में फूल माला आदि लिए हुए वो दर्शन को जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए गार्जियन अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो जो भक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए वो हमारे मन में है, वो आपके भी मन में है। तो दोस्तों ये थे सूल टंकेश्वर महादेव, बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मंदिर परिसर का दृश्य है। तो दोस्तों उम्मीद नहीं करते, मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, और हमारे जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम ऐसे यूनिक वीडियो आपको दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।